इस संसार में जब इतिहास को याद किया जाएगा तो लोग याद करेंगे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को, जब इतिहास को याद किया जाएगा तो लोग याद करेंगे संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को, लोग याद करेंगे नरेंद्र मोदी और अब्राहम लिंकन को, लोग याद करेंगे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को, लोग याद करेंगे जेक मा और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को, लेकिन लोग तुम्हें याद क्यों नहीं करेंगे? ये दुनिया इतिहास में केवल उन्हीं लोगों को याद करती है जिन्होंने इतिहास में इतिहास रचा हो, और इतिहास केवल वही लोग रचते हैं जो लोग सिद्धि होते हैं। अरे याद करो उस लम्हे को जब तुम एक बच्चे थे, अपने मम्मी पापा से कहकर तुम हर एक वो चीज मंगवा लेते थे जिसकी जिद तुम्हारे अंदर होती थी, लेकिन आज वो जिद बिल्कुल समाप्त हो गई है। जब तुम एक बच्चे थे तो तुम कभी भी यह नहीं कहते थे कि मुझे आलस आ रहे हैं, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मैं कल करूंगा, लेकिन आज तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, आज तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, अरे थू है तुम्हारी जिंदगी पर। जब तुम एक बच्चे थे उस टाइम पर तुम्हें यह तक नहीं पता थी कि शर्म क्या होती है, लेकिन आज पता नहीं किसी ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की डर की वजह से तुम अपनी जिंदगी में वो कर ही नहीं सकते जो तुम करना चाहते हो, तुम वो इज्जत पा ही नहीं सकते जिसके असल में तुम हकदार हो। भीड़ में तो यहाँ हर कोई चलता है, सूरज की तरह यहाँ कोई कोई ही चलता है, कठिन से कठिन राह पर भी वह कभी ना पीछे मुड़ता है, कामयाबी भी घुटने टेक देती है उसके आगे जो अपनी जिद पर अड़ा होता है, जो अपनी जिद पर अड़ा होता है। किस्मत का इंतजार सिर्फ वो लोग करते हैं जो यमराज के आने से डरते हैं, अरे यमराज भी उनसे डरते हैं जो लोग सिद्धि होते हैं। तुम्हारी जिद के आगे इस दुनिया की सारी ताकतें छोटी पड़ जाती है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता इतिहास रचने से अगर तुम्हारे अंदर एक जिद उठ जाए। अरे लोगों से आगे निकलने के लिए तुम्हें करना ही क्या है, सिर्फ उनसे ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और तुम उनसे आगे निकल जाओगे। दोस्तों आज के इस कलयुग में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी पूरी जिंदगी को इतिहास रटने में गुजार देते हैं, लेकिन दोस्तों इतिहास रटना नहीं है, इतिहास को रचना है मेरे दोस्त। लोगों की चिंता तू छोड़ दे और अपनी खुदी को इतना बुलंद कर कि हर तकदीर से पहले वो खुदा भी तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ पर कश्तियाँ जिद पर होती है, एक कदम आगे बढ़ाओ तो सही, दूसरा कदम अपने आप चल पड़ेगा। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत कर आऊंगा। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है उस पर विश्वास करो, सिद्धि बनो और इतिहास रचो।